हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। चलिए फिर वीडियो में जानते हैं कि अपडेट क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए फिर न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। भवन के बाहर पार्किंग के लिए बैरियर लगाने पर 3000 रियाल का जुर्माना। जैसे ये खासकर सऊदी में जो रह रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ है, और खासकर ड्राइवर के लिए या फिर जो फैमिली के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसे जैसे जिसके पास गाड़ी है ये उसके लिए न्यूज़ है, जो ड्राइवरी करते हैं या फिर जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए न्यूज़ है। आज जैसे सऊदी अरबिया में खासकर ये है कि अपने घर के सामने लोग बैरियर लगा देते हैं ताकि कोई पार्किंग ना कर पाए, गाड़ी को पार्किंग ना करे। लेकिन अब यही नगर पालिका ने ये रूल निकाल दिया कि अगर कोई अपने घर के सामने बैरियर लगाता है तो उनके ऊपर 3000 रियाल का जुर्माना है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई अब आप कहीं भी पार्किंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले था आप पार्किंग कहीं भी करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, अब यहाँ ऐसा नहीं। अब आप कहीं भी पार्किंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खासकर जो पार्किंग के लिए रोके उनके ऊपर 3000 रियाल का जुर्माना है। ये तो अच्छी न्यूज़ है कि अब हम पार्किंग अब कहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े मॉल या फिर बड़ा बड़ा माल जो होता है वो पार्किंग के लिए अप्लाई करता है, बहुत सारी जगह बनाता है कि पार्किंग यहाँ होगी गाड़ी। जैसे एक सिग्गा ले लीजिए, सिग्गा मतलब गेस्ट हाउस या फंदुक है, जैसे बड़ी होटल है, तो सामने बैरियर लगा देते हैं ताकि कोई पार्किंग ना कर पाए, यहाँ कोई दूसरा यहाँ गाड़ी पार्किंग ना पाए। अब अगर ऐसा करते हुए पकड़ गए या ऐसा किसी के होटल या सिग्गा या कोई भी चीज़ गेस्ट हाउस कोई भी चीज़ अगर ऐसा है, अगर वहां पे बैरियर लगा तो उनके ऊपर 3000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। तो ड्राइवर भाई के लिए ये अच्छी न्यूज है कि आप कहीं भी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। बैड न्यूज है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। ये न्यूज थोड़ा जानकारी के लिए अच्छी है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो में आखिर तक बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे गल्फ से रिलेटेड सारी जानकारी जानने के लिए। चलिए फिर न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हरूप की रिपोर्ट। हरूप आप लोग तो जानते हो, हरूप अगर लग जाएगा 5 साल के लिए बैन हो जाएगा, ये तो आपको पता है। हरूप की रिपोर्ट रद्द करने का घोटाला, सरकारी अधिकारी को कारावास और जुर्माने की सजा। जैसे कुछ लोग यहाँ अगर गलत काम करते हैं, जैसे कोई भी अदरवाइज या कफील से आप झगड़ा कर लिए या अदरवाइज कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, तो आपका कफील हरूप में डाल देता है। तो यही है, हरूप में अगर डाल दिया तो आप 5 साल के लिए बैन हुए। लेकिन यही कोई सऊदी अधिकारी था, सरकारी अधिकारी, वो जानते हो क्या करता था, वो लोगों से कांटेक्ट करता था, लोगों से कांटेक्ट करके ये बोलता था कि मैं आपका हुरूप हटा दूंगा, उसके बदले में मुझे 25000 रियाल देना होगा, मैं आपका हुरूप कैंसिल कर दूंगा। ये फेक न्यूज़ थी, ये फेक था, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वो लोगों से पैसा लेके उसके बाद कुछ नहीं करता था। कहते नहीं, ये जैसे फ्रॉड होता है कि आपके बैंक में इतना पैसा भेजा गया, आप अपने का अपने अकाउंट का नंबर दीजिए या फिर अदरवाइज, ऐसे ऐसे जैसे फ्रॉड होता है वैसे ये भी फ्रॉड कर रहे थे। एक आदमी से 25000 रियाल ले रहे थे। तो उसी वक्त कुछ लोग ऐसे थे जैसे अब कहते नहीं, आप कितने दिन अगर कोई गलत काम करोगे कितने दिन करोगे, कुछ ना कुछ दिन तो आपके सामने आपका पर्दाफाश हो ही जाएगा। तो ऐसा ही था, वो आदमी लोगों से कॉन्टेक्ट करता था, 25000 रियाल मांगता था, 25000 तो मैं आपका हुरूप हटा दूंगा, आप सऊदी में आ सकते हो। तो जब उसका पर्दाफाश हुआ तो जानते हो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने या न्यायालय ने कितना जुर्माना लगाया, 50000 रियाल का जुर्माना है और 3 साल जेल है। तो ऐसे आदमी से आप बचिए, वो तो अपना फरार कर रहा है, वो आपको कॉल किया ऐसे ऐसे 25000 रियाल दीजिए मैं आपका हुरूप कैंसिल कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, हुरूप नहीं हट सकता, अगर लग गया तो लग गया, वो 5 साल के पहले नहीं हटेगा, 5 साल के लिए आप बैन हो गए। अगर कोई आपको ऐसा झांसा देता है तो ये गलत है, आप इसके बहकावे में मत आएं। बस यही न्यूज़ थी, खास हुरूप लोगों के लिए थी, जो हुरूप में है 5 साल के लिए बैन हो जाते, इतना आप जानिए। अगर आपसे कोई कह रहा है आप पैसा दीजिए मैं आपका हुरूप कैंसिल कर दूंगा, तो ये सब गलत है, ये सब के चक्कर मत पड़िए, आपका सारा पैसा डूब जाएगा, सब चीज़ आपका बेकार हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।